में गांव को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए वज़ीर-ए-आज़म देही सड़क मंसूबे का आगाज किया गया। इस मंसूबे से देही इलाकों में काफी मुस्बत नतीजे देखने को मिल रहे हैं। होशंगाबाद से पेश है हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। होशंगाबाद से हरदा जाने वाला यह है स्टेट हाईवे 69 और इसी हाईवे से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर बसा है नोहार गांव। पहले इस गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं थी, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये पक्की सड़क बनने से अब लोगों को काफी आसानी हो गई है। बहुत समस्या थी यहाँ से बच्चे 4 किलोमीटर पढ़ने के लिए ग्राम नोहरना जाते हैं, तो बहुत समस्या थी आने जाने में। बच्चों की ज़्यादा समस्या थी ट्रैक्टर निकलने में, वाहन निकलने में। और रोड बनने से जो ग्रामीण लोग के इधर नोहर के जो रहवासी है सबको बढ़िया फायदा हुआ है। आवागमन अपने नहीं तो मोटरसाइकिल खड़ी यहीं खड़ी करके जाते थे, फिर पैदल जाते थे बेचारे। पक्की सड़क बनने से गांव अब सीधे स्टेट हाईवे से तो जुड़ ही गया है, साथ ही किसानों के साथ साथ पढ़ने वाले बच्चों को भी काफ़ी सहूलियत हुई है। और ये रोड प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बना है और इससे बच्चों को काफ़ी सुविधा हुई है। पहले बच्चे कीचड़ में घुटने घुटने तक पैर गड़ते थे, अब लेकिन जब से ये रोड बना तो साइकिल से बड़ी खुशहाली के साथ स्कूल जाते हैं और आवागमन में काफ़ी सुविधा हुई है पहले की अपेक्षा। नोहोर गांव तक पहुंचने वाली इस सड़क और गांव का फासला भले कम हो, लेकिन इस सड़क के बनने से यहाँ के लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। कहते हैं सड़कें देश की लाइफलाइन होती है, लेकिन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी ये सड़कें गांव के लिए जीवन रेखा की तरह साबित हो रही हैं, क्योंकि इन सड़कों से एक ओर जहां लोगों का आवागमन सुगम हुआ है, वहीं दूसरी ओर लोगों की दूसरी समस्याएं भी दूर हुई हैं। नोहोर गांव से होशंगाबाद से कैमरा पर्सन भरत कुशवाहा के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज़।